नमस्कार दोस्तों, आज हम मेरिट में हैं और आज आपकी मुलाकात जो है एक ऐसे सक्सेस से करवाएंगे जो कि शिवसेना में है, धर्मेंद्र तोमर जी, प्रदेश महासचिव व परवारी पश्चिम यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएसके आवाज में। नमस्कार। भगवान राम जी का जो है मंदिर बन रहा है इस टाइम और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खुशी का समय है और हमारा एक मान बिंदु पूरा होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के समय हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे देश को खुशी मनानी चाहिए और ये क्योंकि शिव सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर आंदोलन के लिए रहा, बहुत सारे शिव सैनिक बलिदान भी हुए और ढांचा ना हटता तो शायद राम मंदिर ना बनता, तो ढांचे को हटाने में मुख्य भूमिका शिव सैनिकों की रही, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे पाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का भी देते हैं और सभी के लिए कहते हैं कि मंगलमय दिवस सभी के लिए बहुत मंगलमय रहे और शुभकामनाएं हैं सबको कि राम मंदिर का निर्माण धूमधाम से हो। तो दिनांक 22 जनवरी को जो है शिवसेना कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित किया जा रहा है क्या? हालांकि कार्यक्रम राम जी का है लेकिन एक राजनीतिक विशेष के द्वारा उसे राजनीतिक मंच एक दल विशेष का बना दिया गया और इसी नाते शिवसेना को निमंत्रण भी नहीं दिया गया, लेकिन राम जी जब बुलाएंगे तो शिव सैनिक जरूर जाएंगे। हमारे महाराष्ट्र में जो राम जी की कर्म स्थली रही, जहां राम जी ने 12 वर्ष काटे हैं जिस कुटिया में, वो नासिक में है और वहां महाराष्ट्र की शिव सैनिक अपने शिवसेना के प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में पूजा पाठ और हर्षोल्लास के साथ मां मनाने जा रही है। बेशक हम जन्मस्थली नहीं पहुंच पा रहे अभी, लेकिन कर्मस्थली पर काम चलेगा। हमने राष्ट्रपति महोदय को भी निमंत्रण दिया है कि वो भी वहां पहुंचे और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। सभी देशवासियों से भी अपील है कि हर्षोल्लास के साथ राम जी के इस आगमन को स्वीकार करें और धूमधाम से इस दिवस को मनाएं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जो है उनका भी सपना था राम मंदिर को बनता हुआ देखना, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बिल्कुल, सपना उन्हीं का था, उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों द्वारा ढांचा ढा दिया गया। ढांचा ढाने के साथ ही वीर बाकी का वो पत्थर उस वक्त के हमारे प्रदेश प्रमुख शिवसेना के, उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को मातोश्री पे वो पत्थर सौंपा था, आज भी वीर बाकी का वो पत्थर मातोश्री पे रखा हुआ है। हमें बड़ा हर्ष है कि शिव सैनिकों ने वो ढांचा ढाया था, इसीलिए बाला साहब भी हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। वो जो शिव सैनिकों ने किया उन्होंने बड़े गर्व से उसे महसूस किया और कहा कि मुझे अपने शिव सैनिकों पर गर्व है कि उनके द्वारा ये ढांचा ढाया गया है। ढांचा ना ढाता तो शायद आज राम मंदिर का निर्माण भी ना हो पाता। कोर्ट बिल्कुल निर्णय जमीन पर देता है, किसी ढांचे पर नहीं। ढांचा था तो कोर्ट शायद निर्णय नहीं दे पाता, लेकिन जमीन खाली जमीन रह गई, निर्णय देना पड़ा। जमीन पर भी रामलला विराजमान थे, कोर्ट को रामलला के पक्ष में निर्णय दिया था। अब स्थिति यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आई थी और कोर्ट की जगह कानून बनाकर अगर रामलला के मंदिर का निर्माण कराती तो ज्यादा दुगनी खुशी होती कि रामलला का मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया। लेकिन जब तक राम ढांचे के अंदर रामलला थे तब तक यही भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती थी कि रामलला का आस्था का विषय है और आस्था पर कोई भी कोर्ट निर्णय नहीं ले सकती, तब ये कोर्ट का निर्णय मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिव सैनिकों के ढांचा ढाने के बाद रामलला त्रिपाल के मंदिर में आ गए और आस्था वहीं की वहीं बनी रही और ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद इनकी आस्था खत्म हो गई और ये कोर्ट के निर्णय पर निर्भर हो गए कि कोर्ट निर्णय देगा तब हम मानेंगे। लगातार शिव सैनिक और शिवसेना के सांसद को लगातार संसद में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी कानून बनाए और कानून के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराए, लेकिन इनके द्वारा नहीं कराया गया। कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय हुआ, लेकिन निर्णय भी ऐसा हुआ कि हमें मंदिर तो मिला लेकिन एक बहुत बड़े पक्ष को बहुत बड़ी भूमि हिंदू समाज की देनी पड़ी केवल कोर्ट की वजह से। इसका दंड कौन भुगतेगा, इसका इस दंड का कौन गुनहगार होगा, ये प्रधानमंत्री महोदय बताएं जो कानून नहीं ला पाए कोर्ट के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।